दोस्तों, स्वरोजगार आधारित वीडियो के साथ पवन कुमार सिंह आपका फिर से स्वागत करता है बिहार स्टोरी मीडिया के धंधा पानी ब्लॉग में। छोटे छोटे रोजगार तो हम दिखाते ही हैं, छोटे छोटे स्टार्टअप्स दिखाते हैं, लेकिन आज कुछ बड़ा दिखाने आए हैं। और ये जो फैक्ट्री है काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे लगभग 3 दर्जन मशीनें अभी चल रही हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत कर लें राहुल गुप्ता जी का, जो इस फैक्ट्री में लेकर हमको पहुँचे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। मैक्स इंटरप्राइजेज मशीन बाजार से राहुल गुप्ता जी की वीडियो कितनी सारी आ चुकी हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं जो एक खास अतिथि जिनका ये स्टार्टअप है और काफ़ी बड़ा स्टार्टअप है। सर, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर आपका? संजय कुमार। संजय जी, यहाँ पे लगभग लगता है कि 30-40 मशीनें हैं पेपर प्लेट। जी जी जी। ये फैक्ट्री कब खोला आपने? ये 1 साल हो गया सर। 1 साल से चला रहे हैं। जी जी। वाह, क्या बात है। तो मशीनें सर क्या आपने ही दी हैं? हाँ, मशीनें मैक्सिमम 90% मैंने मशीन दिया। 90% आप ही कहते हैं? हाँ हाँ हाँ। कौन सी मशीन है आपके? पेपर प्लेट का, जैसे आपको डबल ब्लॉक का, सिंगल डाई, मैंने स्पेशल सब जो जितने भी मशीन दिया वो पेपर प्लेट का सिंगल डाई डबल ब्लॉक मशीन दिया, जिससे कि काम आसानी से काम भी होता है और कोई टेंशन नहीं है। आप देख सकते हैं कि लेडीज लोग आराम से काम कर रहे हैं, कोई भी बच्चा 14 साल से ऊपर के लेके कोई भी बच्चा आप आराम से मशीन को ऑपरेट कर सकता है, जिसमें कोई भी दिक्कत परेशानी ना आती है। लेकिन सर से सवाल है कि सर पेपर प्लेट में बहुत सारी मशीनें आती हैं, लेकिन आपने सिंगल डाई वाली मशीन, डबल ब्लॉक वाली और ये सब सिंगल ब्लॉक वाली इस्तेमाल कर रहे हैं? सिंगल थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बेनिफिट होता है सर, इसमें जल्दी जल्दी मतलब माल गिरा, और डबल में है कि डाई का प्रॉब्लम आ जाता है कि मतलब दिक्कत होता है, उसमें छोटा आइटम चलेगा, गोलगप्पा वाला है चाहे ये है, लेकिन बड़ा आइटम जो भी है सब सिंगल में ही चलता है। डबल ब्लॉक बेयरिंग में है कि थोड़ा सा मजबूती ज़्यादा होता है, कैपेसिटी ज़्यादा है निकालने का। लोग ऑल इन वन भी लगाते हैं, आपने एक भी नहीं लगाया? ऑल इन वन में तो कोई फायदा नहीं है सर, उसमें अच्छा। थोड़ा सा हमको इसी में ज़्यादा बेनिफिट है। ऑल इन वन मशीन में आप कर सकते हैं, जैसे ले सकते हैं, जैसे बफर का जिनको काम करना है ज़्यादा, वो बफर के लिए आप स्पेशल जैसे लगा हुआ है हाइड्रोलिक में, उधर देखिएगा मशीन, वहाँ पे हाइड्रोलिक लगा हुआ है, उसी को ऑल इन वन पीछे से कन्वर्ट करके जिनको मल्टीपर्पज़ में जाना होता है तो ले सकते हैं। मशीन ऐसा ख़राब नहीं है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप डबल ब्लॉक मशीन से काम अच्छा से कर सकते हैं, जैसे कि कोई भी आपको मेंटेनेंस नहीं आएगा और जीरो मेंटेनेंस लगभग मशीन है सर। बैरिंग में मोबिल डालना और ग्रीस करना, इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा कोई इसमें मेंटेनेंस है नहीं, और डाई इजीली ऑपरेट भी हो जाता है, लगा सकते हैं, खोल के रख सकते हैं, कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सर लेडीज लोग का काम यहाँ पे। आपको लाइव दिखा रहा हूँ और लाइव एक्सपीरियंसेस जो है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप भी कोई स्टार्टअप खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे, कुछ मशीनों का आइडिया आपको मिलेगा। सर ने यहाँ पर जितने भी हैं बड़ी साधारण मशीनें लगा रखी हैं, कोई बहुत महंगी महंगी मशीनें नहीं हैं। अभी कौन कौन सा प्रोडक्ट तैयार करते हैं सर यहाँ पे? हर आइटम जीरो से लेकर गोलगप्पा से लेकर थाली है, तो लो 7 इंची 8 इंची दोना प्लेट सब 3-3 सेट तैयार है सर। 3-3 सेट, यानी कि एक कटोरी बनाने के लिए 3 मशीनें हैं सर। आइटम बनाने के लिए 3 मशीन ऑपरेट कर दिए, कि जैसे कि इनको जैसे जब माल आने का होता है, जैसे कोई कस्टमर मांगा सीजन का टाइम है भी, तो इनको क्या दिक्कत नहीं आती है, आराम से डिलीवर करते हैं। और आज की रेट में जो फास्ट सर्विस देगा उसी का फैक्ट्री रनिंग पोजीशन टॉप पे रहेगा, नहीं तो नहीं। आज आपको ऑर्डर आया और आप 3-4 दिन बाद माल दे रहे तो बेचारा दूसरे जगह से ले लेगा, आप पीछे पड़ जाओगे। और इसी के लिए सर ने सबसे पहला फोकस किया है कि इन्होंने अपने इन हाउस लेमिनेशन मशीन भी लगा के रखा है, जिससे क्या हुआ इनको इधर उधर जाने का भी ज़्यादा जरूरत नहीं होता और माल ऑटोमेटिक बन भी जाता है यहाँ पे और तुरंत प्रोडक्शन में चला जाता है। और इनका तो कैप्चर बहुत अच्छा खासा पूरा पटना लगभग है सर, जो इनको हर लोग जानता है जो थोक काम करते हैं, ये बात तो है। मतलब यहाँ पे 30-40 मशीनें तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा सेटअप है, लेकिन एक बात सीखने को मिला जैसे कि इन्होंने एक आइटम के लिए 3 मशीनें बैठाई हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम अगर 4 प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं तो 4 मशीनों से काम करें। इससे होता है कि हमारा सुविधा हो जाता है ना, जब 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 जितना ज़रूरत पड़ा गया अपना चला लिए, जब मतलब खराब थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आया तो दूसरा मशीन एक्टिव कर लिए, तो इससे होता है कि हमारा मतलब मशीन काम बंद नहीं हुआ और ना लेबर कॉस्ट भी बचा, लेबर नहीं भागेगा, अगर आज मशीन बंद हो गया लेबर को भगा देगा भैया जाओ, ऐसा नहीं है, तो हम अपना लेबर को बनाए रखते हैं ताकि परमानेंट चले। 15-20 लेबर हमारा जो स्टाफ है जो एकदम परमानेंट है। मशीनें चलती कब से कब हैं? 10 बजे से 7 बजे तक चलाते हैं सर। 10 बजे से 7 बजे, यानी कि 9 घंटा, आधा घंटा मतलब लंच कर दिए, हाँ ब्रेक कर दिए, लगातार चलती रहती है, प्रोडक्शन आता रहता है, प्रोडक्शन आता रहता है, उसकी पैकेजिंग होती है और फिर उसके बाद उसको सेल सारा पटना के मार्केट में ही आपका खप जाता है। पटना का मार्केट बहुत बड़ा है, थोड़े छोटा मार्केट है, इसमें तो मतलब
अभी माल हम पूरा नहीं कर पाते सर। आप देख सकते हैं हर चीज का सिस्टम देखिएगा थोड़ा सा वहाँ पे कि सिस्टम से जैसे कोई भी एक प्रोडक्ट बन रहा है तो इसके लिए क्या किए हैं एक सिस्टम यहाँ पे बना के रखे कि जिससे कि जो माल है वो ज्यादा वेस्टेज में ना जाए। देखिए बड़ा अच्छा लगा ये, देखिए कितनी बढ़िया से ये सजाई है, काउंटिंग भी आराम से हो जाता है और पैकेजिंग भी आराम से हो जाता है। ये सब सिस्टम करना पड़ता है सर, जो बड़ा फैक्ट्री चलाने के लिए ये सब सोचना भी पड़ेगा और आदमी को करना भी पड़ेगा। और आपको मार्केट में जब तक नहीं घूमिएगा, सर्वे नहीं कीजिएगा, तब तक आप इस माल को बेच भी नहीं सकते। मशीन लगाने से नहीं होगा, आप पहले मार्केट में सर्वे करें, मार्केट में कहाँ कहाँ माल बेचना है, उसके बाद फिर मशीन लगाने के लिए आप इसमें आए। बहुत बढ़िया, मतलब बहुत बढ़िया से। और यहाँ से देखिए ये गिन गिन के अपना पैकेट बना रही हैं। आप पूछ सकते हैं सवाल जी, कितने का पैकेट्स बना रही हैं? 25 का बना रही हैं। और 25 गिन के यहाँ से निकालती हैं, फिर उसको पॉलिथीन में लपेट के वहाँ पे डाल दे रही है। 6 इंच का है ना? हाँ, ये 6 इंच, 6 इंच का, 6 इंच का दोना है। 25 सर एक्सपीरियंस हो गया है कि पहचान जाते हैं कितने इंच का है। सही बात है, हम लोग तो भाई मीडिया वाले हैं, लेकिन देख देख के एक्सपीरियंस हो गया है कि भाई कितना इंच का होगा। देखिए बफर के बारे में थोड़ा सा आप दिखाइए। अच्छा, यहाँ पे लगी हुई है। ओ अच्छा, यस, ऑल इन वाली मशीन है। यहाँ पे दो दिखी। अच्छा, ये वाली बफर की, वाह क्वालिटी। ये कितने GSM की है सर? ये 300 GSM। 300 GSM जी जी। फिनिशिंग बहुत बढ़िया है, एकदम कमाल का है, बहुत हार्ड, बहुत बार। इसको बुफे प्लेट बोलते हैं, बुफे प्लेट। ये आराम से खाने के लिए आपको बहुत सफिशियंट है। आजकल जितने भी शादी वगैरह जो फंक्शन हो गया हाई लेवल का, यही चल रहा है आजकल। हाथ में लेकर आप आराम से खाना इसको खा सकते हैं। ये दो मशीनों से आप निकालते हैं बुफे प्लेट ना? बहुत बढ़िया। बाकी जो छोटे कटोरी हैं और जो सिल्वर प्लेट है, वो सारा इधर काम हो रहा है। हालांकि एक जो आपकी डबल ब्लॉक वाली वहां पर दिख रही है, वहां पर भी बफे प्लेट निकल रही है। तो जरा उसकी भी क्वालिटी देखेंगे, क्योंकि बहुत सारी वीडियो में हमने बताया था कि बड़ा अच्छा काम करता है ये। ये बुफे प्लेट नहीं है सर, बुफे प्लेट का कलर का ही बना हुआ। अच्छा, वो ये वाली है, ऊपर लेमिनेशन किया हुआ। भाई दूर से मैं कंफ्यूज हो गया। थाली है, डिजाइनर थाली वाली है ये। इसको ताल पत्ता वाली, ताल पत्ता बोलते हैं, ताल पत्ता बोलते हैं। हां, अच्छा, ये भी, ये कितने की पैकेट है? ये 25 का ही सब है। वाह, यानी कि 25-25 की यहाँ पे पैकेजिंग हो रही है। आइए सर से थोड़ी सी और बात कर लें। जो उद्यमिता में सबसे ज़रूरी चीज़ें होती हैं, प्रॉफिट की बात कर लें, मार्जिन की बात कर लें। आखिर सर ने इतना सारा यहाँ पे मशीन लगाया है और तकरीबन 40-50 लोगों की जीविका जो है इनसे सर से जुड़ी हुई है। तो पहले तो तहे दिल से सर का धन्यवाद मैं देता हूँ कि ऐसे ऐसे उद्यमियों की वजह से आज हमारा राज्य तरक्की कर रहा है, रोजगार बढ़ रहा है। सर, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप और बड़े स्केल पे जाएं। आगे क्या सोचा है? आगे हमारा सर ये एक ट्रे का मतलब ये बनेगा, अंडा ट्रे वाला ये फैक्ट्री बैठाएंगे और उसके बाद लेयर फार्मिंग का ये बस एक ट्रे वाली, यानी कि इसी की जो वेस्टेज है उसमें आप यूज़ कर लेंगे और बाकी एक लेयर फार्मिंग है। अच्छा। तो ये अपना प्रोजेक्ट बैठाए हुए हैं, मतलब 6 महीने के अंदर उसको भी चालू कर देंगे। एक चीज से दूसरी चीज जुड़ी रहती है। सर ने बहुत मेहनत किया है सर, मैं एक साल में देखा हूँ, हमेशा हमसे टचअप में रहते हैं, मेरे पास में ही है। जो भी लोग देखना भी चाहते हैं फैक्ट्री, हम इनको वीडियो के माध्यम से आके देख सकते हैं। बहुत मेहनत भी करते हैं और टाइम टू टाइम सजेशन भी लेते रहते हैं क्या करना नहीं करना, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और सबसे बड़ी बात है सर, बहुत खुशी होता है सर कि यहाँ पे अब जो माल बाहर से आता था, अब ये कटअप हो गया, बिहार में रोजगार बढ़ रहा है और लोग कुछ का जीविका यहाँ चल रहा है। अब लेडीज लोग ये तो बाहर दूसरे राज्य में जाके कमा नहीं सकती। अच्छा लगता है। हाँ, ये बहुत अच्छा, ये अपने लोकल एरिया को ही देख रखे हैं सब लोग, ज्यादा दूर के नहीं, तो एक रोजगार भी उत्पन्न हुआ है सर। कितने एरिया में सर ये आपने खोला है? 4 कट्ठा में। 4 कट्ठा में, और एक जगह और लिए है, 1 कट्ठा का और है जो अभी सेटअप, मतलब ये वहाँ भी बनेगा, वहाँ भी मतलब लेमिनेशन रॉ मटेरियल तैयार करेंगे। क्योंकि रॉ मटेरियल तो आपकी काफी खपत होती होगी, तो बाहर से मंगाना पड़ता होगा। अभी कुछ मंगाते हैं, जैसे कुछ तो अपना भी बन रहा है, अपना बन रहा है, लेकिन उससे काम चलेगा। उसके लिए तीन सेटअप और मंगाए हैं लेमिनेशन का, तो उसके लिए मतलब 3 सेटअप मंगाए हैं, लेमिनेशन मशीन बनाएंगे, फिर सर्कल मशीन हो गया और टिश्यू पेपर है, कप है, ये सब मतलब इनके यहाँ से बुक किए हुए हैं। 1 महीना में 15 दिन में आ जाएगा वो। रॉ मटेरियल वगैरह भी सारा जाता है आप ही के यहाँ से? हाँ, देख सकते हैं यहाँ पे क्राफ्ट पेपर ले जाता है सर। ये रॉ मटेरियल खुद बनाते हैं, लेमिनेशन मशीन में देता हूँ इनको। अच्छा, लेमिनेशन मशीन जो है आप ही ने दिया है? अच्छा, वाह, जो कि उधर चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ी सी बात कर ले सर कि जो ये आप दोना पत्तल बना रहे हैं यहाँ पर, तो
इसमें क्या बचत का क्या हिसाब किताब है? बचत सर मतलब 10% 10 से 12% का ये बेनिफिट है बड़े स्केल पर। हाँ बड़े स्केल पर, क्योंकि आप तो बड़े कारोबारी हैं। बस कुछ लोग हैं जो छोटे कारोबारी हैं, 15 से 20% भी ले जाते हैं। उससे उसका तो मार्जिन अलग रहेगा, उसको मीटर चार्ज कम लगा, किराया कम लगा, ये है तो हम बड़ा नहीं ट्रक से माल जाती है। हाँ हमारा जो है जितना है टेम्पो वैन से पिकअप से सब भेजते चले गए। हमारा बिहार है, नवादा है, इस्लामपुर है, फतुहा है, इस समय माल अपना बाहर भी जाता है। एक दिन में सर कितना माल तैयार हो जाता होगा? अब इसका लिमिट तो नहीं है सर, लेकिन हाँ मतलब फायदा ठीक है इसका। हाँ जी, मतलब अगर इस लेवल पे सर 10% भी बच रहा है बहुत बड़ी बात, तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और हम सोचते हैं कि और भी यहाँ बिहार के लोग अपना रोजगार के लिए कुछ जुड़े, नया नया इनोवेशन, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पेपर प्लेट ही कीजिए, आप नया नया इनोवेशन में आइए, नया नया प्रोडक्ट बनाइए और यहाँ सेल कीजिए, बिहार को लोगों को रोजगार भी दीजिए और खुद भी कमाइए। सही बात। हाँ ये मैं एक चीज़ के लिए किसी को बोल रहा हूँ कि आप इसी चीज़ के पीछे लगिए, आपको जो सोच में आता है आप यहाँ कीजिए, मेहनत कीजिए, आगे जरूर बढ़िएगा, 100% गारंटी हर युवा को भी बोल रहा हूँ, क्योंकि अब नौकरियाँ कम बची है, आप बिजनेस में आइए, एंटरप्रेन्योर बनिए और आगे काम कीजिए। और लेमिनेशन मशीन के साथ सर मैं चाहूँगा कि जो कोरिगेशन है, जो बफे प्लेट वाली भी जो रॉ मटेरियल है उसकी भी, अगर चूंकि आप कैपेबल हैं और आपके पास एक बड़ा मार्केट तैयार हो चुका है तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। वो उसमें भी कोरिगेशन के लिए भी बात की है राहुल जी से, लेकिन है कि थोड़ा सा मतलब लंबा प्रोसेस हो जा रहा है, स्टाफ का थोड़ा सा क्राइसिस हो जाता है। अच्छा। ना तो उसके लिए मतलब शहर है तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। कोरिगेशन के लिए भी बात की है कि 25 लाख में हमारा सेटअप बन जाएगा, लेकिन है कि पेपर में कोई दिक्कत आ जाता है, कुछ मतलब लेबर का स्टाफ का मतलब दिक्कत हो जाता है, तो इसके बाद प्लानिंग मतलब है कि कोरिगेशन भी बैठा देंगे। सर इतने बड़े लेवल पर जो आप ये कारोबार कर रहे हैं तो इसमें क्या कुछ उद्योग खोलने के लिए लाइसेंसिंग वगैरह की भी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? जीएसटी वगैरह मस्ट है, जीएसटी मस्ट है जी, बाकी तो कोई वैसा अति नहीं है। लेकिन वो बिजली के लिए तो अलग कनेक्शन लेना पड़ा होगा? औद्योगिक कनेक्शन है, औद्योगिक कनेक्शन 3 फेज का लाइन लिए हुए हैं, तो उसमें मतलब थोड़ा सा सुविधा मिलता है। औद्योगिक कनेक्शन में थोड़ा चार्जिंग मतलब कम है बिल का। अच्छा, कम रहता है उसमें? औद्योगिक में आपको सब्सिडी मिल जाता है ना सरकार की तरफ से? तो कमर्शियल लाइन में ज़्यादा अच्छा है। उसको लेने में सर दिक्कत आती है क्या? दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा समय लगता है, एक महीना डेढ़ महीना समय लग जाता है अप्लाई करने के बाद। हाँ जी, जगह का काम करना है सर तो टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको, ये आपको पता होगा, सरकारी विभाग थोड़ा लचीला है यहाँ। ये बात तो सारी मशीनें राहुल जी जो हैं बिहार में, बिहार के बाहर अन्य राज्यों में तरह तरह की मशीनें जो हैं, और मेरे ख्याल से लगता है कि केवल पेपर प्लेट ही नहीं, मैक्सी इंटरप्राइजेज जो मशीन बाजार के नाम से भी आजकल जानी जा रही है, अब इतनी बड़ी कंपनी हो गई है कि लगता है कि आटा चक्की, तेल मील, जूता चप्पल बनाना, मतलब सब कुछ ये रखते हैं। हाँ मिलता तो है, मिलता है, मिलेगा भी, सर्विस भी मिलेगा और किफायती रेट में मिलेगा। पहले आप 4-5 जगह सर्वे करें, उसके बाद फिर मेरे पास आए, उसके बाद ले मशीन तो समझ में आए, तो कोई फोर्स नहीं है मेरे यहाँ। अच्छा सर, वो जो मशीनें लिए थे आप डबल ब्लॉक वाली, वो कितने में आपको दिए थे? ये मशीन सर 58,000 था, 58,000 में दिए थे। अच्छा, और भी सस्ती मशीनें थी क्या उससे? सस्ता है तो सस्ते के काम भी तो सिंगल वाली सर, उसमें अब 2,000-1,000 कमेगा तो उससे तो उसका काम भी तो मतलब कम हो जाएगा। अब जिस पर लोड पड़ता है, जो आइटम जो थाली पर है तो थाली पर डबल ब्लॉक बेयरिंग नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा, गोलगप्पा है तो चल जाता है काम। तो सिंगल ब्लॉक और डबल ब्लॉक जो है सर, इधर आइए, अभी हमारे दर्शकों को बताइए कि सिंगल ब्लॉक वाली की रेट क्या चल रही है, डबल ब्लॉक वाली की रेट क्या चल रही है? सिंगल ब्लॉक का मशीन 40,000 से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा। अब उस पर डिपेंड करता है क्या लेना है उनको, आप क्या सजेस्ट करते हैं? 40 मैं तो सोचता हूँ डबल ब्लॉक मशीन ले और सिंगल डाई मशीन से काम करें, क्योंकि यहाँ चल रही है सारे डबल ब्लॉक, बहुत बढ़िया सब टोटल चैनल में है सर, जितना चैनल में है सर, पूरा चैनल जितना है मजबूती सर। देखिए लोहा का रेट है, जितना आप चीनी में शक्कर डालेगा उतना शरबत मीठा होते जाएगा। रोज रोज तो सर लेना नहीं है, ले तो बढ़िया ले। ये तो है बिहार का एक बात नियम है सर, ये सस्ता के पीछे नहीं भागते हैं, कभी कभी लोग सोचते हैं कि नहीं ठोस लें, बढ़िया लें और अच्छा लें, ये चीज़ है यहाँ का एक मेंटेलिटी। मैं देखा हूँ इतने दिन का एक्सपीरियंस में, जो मशीन लेने आते हैं वो सोचते हैं कि नहीं एंगल में क्यों लें, 5,000 लगा लेते हैं और, तो चैनल में ले, डबल ब्लॉक में ले तो जो हैवी हो जाता है सब काम आसानी से हो जाएगा। आप भी सजेस्ट करते हैं यही सर? हाँ सर, ये अगर एक दिन ले लिया मतलब सिंगल में नहीं अति ले लिया खराब हो जाएगा, चैनल तोड़ेगा, ये तोड़ेगा, जितना वजन पड़ेगा तो टूटेगा ही टूटेगा, निश्चित है, लोड पड़ता ही है। और चैनल में ले लिए तो अपना परमानेंट रह गया, चलाते रहिए संघर्ष के, जितना चल रहा है। तो भाई ये मशीन वाले का रिव्यू मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो कारोबारी बोल रहे हैं उस चीज़ को आप समझिए, वो सही सजेशन देंगे, सही गाइडेंस देंगे। तो ये एक अपडेट था
हालांकि बहुत तरह की मशीनें इन्होंने नहीं रखा है, लेकिन जो रखा है काफ़ी संख्या में रखा है और बहुत अच्छा से यहाँ पे प्रोडक्शन काम चल रहा है और माल इतना बनता है लेकिन फिर भी शायद आज के डेट में शॉर्ट है, तो मशीनें बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो चलिए, वो भी जब आपकी बढ़ेगी तो मैं आऊँगा सर। बहुत बहुत वेलकम रहेगा, आपका स्वागत रहेगा कि आप आके हमारा कम से कम ये देखते रहें, तो थोड़ा सा उससे प्रोत्साहन मिलता है। जी बिल्कुल आऊँगा। और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपकी वजह से ऐसी चीज़ों को देखने का मौका मिलता है। तो बने रहिएगा दोस्तों बिहार स्टोरी मीडिया पर, ऐसी ऐसी जानकारियाँ हम हमेशा लेकर के आते हैं। जो हमारे मित्र हैं नोटिफिकेशन बेल को दबा दें और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए जगह पर नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।